नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज माँ सिद्धिदात्री की विशेष पूजा अर्चना, रोग मुक्त और भय मुक्त करती है माँ सिद्धिदात्री। आज के दिन कन्या पूजन का है विशेष महत्व। सरकारी स्कूलों में जींस पहनने पर रोक, शिक्षकों के लिए फॉर्मल ड्रेस अनिवार्य, स्कूलों में डांस और म्यूजिक पर भी प्रतिबंध। बिहार में बाढ़ सहायता का दूसरा चरण, बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपए की मदद। दूसरे चरण में 3,21,793 बाढ़ प्रभावितों के खातों में भेजी गई राशि। बिहार अस्पतालों में नई दवा व्यवस्था, ओपीडी काउंटर से बंद लिफाफे में मिलेगी दवा, अस्पताल का नाम भी लिफाफे पर होगी दर्ज। डिजी लॉकर ऐप पर सरकारी सेवाएं एक क्लिक में, यूजर्स आधार पैन आसानी से कर सकेंगे एक्सेस, सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए उपलब्ध है ये सुविधा। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय सेना ने आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2 TES-53 एंट्री जुलाई 2025 बैच के तहत भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर 2024 तक जारी रहेगी। अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। योग्य उम्मीदवारों के लिए 10+2 में न्यूनतम 60% अंकों के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना अनिवार्य है। साथ ही JEE मेन्स 2024 में भाग लेना आवश्यक है। आयु सीमा 16 साल 6 महीने से लेकर 19 साल 6 महीने तक है, जिसकी गणना 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। आवेदन के लिए वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाना होगा। शारदीय नवरात्रि की महानवमी पर मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सिद्धिदात्री की पूजा से व्यक्ति को सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति रोग मुक्त और भय मुक्त हो जाता है। नवरात्रि पर्व के दौरान अष्टमी और नवमी तिथियों के पूजन का विशेष महत्व है। नवमी तिथि 11 अक्टूबर यानी आज दोपहर 12:06 से प्रारंभ होगी। महानवमी का पूजन 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 तक होगा, जिसके बाद दशहरा पूजन शुरू होगा। विशेषज्ञों के अनुसार दशहरा 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे के बाद मनाया जाएगा। यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि बिहारी न्यूज किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सभी शिक्षकों को जींस और टी शर्ट पहनने से मना किया गया है और उन्हें फॉर्मल ड्रेस में स्कूल आने का आदेश दिया गया है। साथ ही शिक्षकों को ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार के रील, डांस या गाने की अनुमति नहीं होगी। शिक्षा विभाग के अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर शिक्षकों के डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो शैक्षणिक माहौल को प्रभावित कर रहे हैं। विशेष अवसरों पर ही डांस और संगीत का आयोजन किया जा सकेगा, लेकिन शालीन तरीके से किया गया कार्यक्रम ही मान्य होगा। उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले KK पाठक ने शिक्षा विभाग ने अपने कार्यालय में जींस और टी शर्ट पहनकर आने पर रोक लगाई थी। आपके हिसाब से सही फैसले पे क्या राय है? बिहारी बर्थडे में आज हम बात करेंगे एक्टर राजेश कुमार राय की। राजेश कुमार एक भारतीय निर्माता और अभिनेता हैं, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1958 को बिहार के पटना में हुआ था। राजेश कुमार ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2001 प्रसारित हुए सीरियल के कुसुम एक आम लड़की की कहानी से की थी। इसके बाद राजेश कुमार का एक्टिंग सफ़र TV की दुनिया में धड़ल्ले से चलता रहा। आज भी राजेश कुमार TV की दुनिया में बड़े एक्टर माने जाते हैं। राजेश कुमार ने 38 से ज़्यादा सीरियल्स और फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा है। उन्हें कई प्रमुख अवार्ड से नवाजा जा चुका है। बिहार में बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए 7,000 रुपए की आर्थिक मदद ऑनलाइन ट्रांसफर की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर दूसरे चरण में 3,21,793 बाढ़ प्रभावितों के खातों में यह राशि भेजी जा रही है। कोसी, गंडक और बागमती नदियों से प्रभावित परिवारों को सहायता दी जा रही है। पहले चरण में 11 जिलों के 4,38,529 पीड़ितों को 306.87 करोड़ रुपए सीधे DBT के माध्यम से ट्रांसफर किए गए थे। अब तक दोनों चरणों में कुल 532 करोड़ रुपए बाढ़ प्रभावित परिवारों को प्रदान किए गए हैं। इस कार्यक्रम में दोनों DC और आपदा मंत्री की मौजूदगी में राशि जारी की गई।
श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स 2024, सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस 2025 प्रतियोगिता के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 के मेधावी छात्र या छात्रा पुरस्कृत किया जाएगा। आवेदन करने की प्रक्रिया बीते 5 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 30 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट bcstnsdnmd.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं आप प्रवेश पत्र 20 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी परीक्षा 22 ग्यारह 2024 से 24 ग्यारह 2024 तक होगी। बता दें कि अपरिहार्य कारणों से उपरोक्त परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव भी किया जा सकता है, जिसकी सूचना वेबसाइट पर दे दी जाएगी। ये जानकारी हमें IPRD के जरिए दी गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर उठी आपत्तियों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर ट्रांसफर पॉलिसी को सोच समझ कर लागू किया गया है। यदि किसी को समस्या है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर स्तर पर कमेटी है जहां शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि 10 ऑप्शन उपलब्ध कराए जाएंगे और दिसंबर में सभी शिक्षकों की ज्वाइनिंग होगी। उन्होंने महिलाओं की साक्षरता में सुधार और क्वालिटी एजुकेशन के लिए 30% बजट आवंटन की जानकारी भी दी। ट्रांसफर की प्रक्रिया में मानवीय संपर्क की आवश्यकता नहीं होगी, सब कुछ पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। बिहार में बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम CZRF का नया व्यवस्था लागू किया गया है। अब उपभोक्ता सीधे अपने डिवीजन के सुविधा केंद्र पर शिकायती पत्र जमा कर सकते हैं, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा है। यहां वकील की जरूरत नहीं और कोई फीस भी नहीं लगती। अगर CZRF का निर्णय संतोषजनक नहीं लगता तो उपभोक्ता विद्युत लोकपाल के पास अपील कर सकते हैं। यदि बिजली कंपनी आदेश का पालन नहीं करती तो उपभोक्ता विद्युत विनियामक आयोग में शिकायत कर सकते हैं, जहां जुर्माने की कार्रवाई भी संभव है। CZRF में केस दाखिल होने के बाद बिजली कार्यपालक अभियंता को 7 दिन में जवाब देना होगा। कुल 20 शहरों में उपभोक्ता निवारण फोरम स्थापित किए गए हैं, जिसमें उपभोक्ताओं को स्थानीय स्तर पर सुविधाएँ मिलेंगी। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को OPD काउंटर से बंद लिफाफे में दवा मिलेगी। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को इस व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया है, जो PHC से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक प्रभावी होगी। लिफाफे पर अस्पताल का नाम, दवा की डोज और दवा लेने का समय लिखा होगा, जिससे मरीजों को दवा लेने में सहूलियत होगी। इसके अलावा विभाग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि अस्पतालों में सभी आवश्यक दवाएँ उपलब्ध रहें और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित अन्य उपकरण पूरी तरह से चालू रहे। यह कदम मरीजों की सुविधा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उठाया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEV ने DLED डिप्लोमा इंट्री एलिमेंट्री एजुकेशन फेस टू फेस परीक्षा 2024 के परिणाम बीते दिन जारी किए हैं। शैक्षणिक सत्र 2023-25 के लिए फर्स्ट ईयर और 2022-24 के लिए सेकेंड ईयर के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट DLED secondary.biharboardonline.com या index.html पर उपलब्ध कराया गया है। उम्मीदवारों को परिणाम देखने के लिए रोल कोड और रोल नंबर जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यूजर्स के लिए नई सुविधा की घोषणा की है। अब यूजर्स आधार, पैन, EPFO, सर्टिफिकेट्स, पेंशन, यूटिलिटी, हेल्थ और ट्रैवल जैसी सरकारी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से एक्सेस कर सकेंगे। यह सुविधा वर्तमान में केवल एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में DigiLocker ऐप को लेटेस्ट वर्जन को अपडेट करें। इसके बाद अपने एंड्रॉयड फ़ोन में DigiLocker ऐप को ओपन करें। फिर DigiLocker ऐप में दिख रहे उमंग आइकन पर टैप करें। इसके बाद प्रॉम्प्ट मिलने पर गूगल प्ले स्टोर से उमंग ऐप को इंस्टॉल करें। बिहार पुलिस ने हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स STF का कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे संगठित अपराध पर शिकंजा कसने में मदद मिलेगी। पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। STF नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने और आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने का कार्य करेगी। इसके तहत बोधगया में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। वर्तमान में 3-4 जिलों में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG सक्रिय है, जबकि कुछ जिलों में अभियान भवन है। इस पहल से बालू और शराब माफिया हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई को बल मिलेगा।
बिहार के 273 विद्यालयों का चयन पीएम श्री योजना के दूसरे चरण के तहत किया गया है, जिनमें पटना जिले के 6 स्कूल भी शामिल हैं। यह स्कूल बख्तियारपुर, दानापुर, खुशरूपुर, मसौढ़ी, पटना सदर और पालीगंज प्रखंडों में स्थित है। इन विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा और इन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाएगा, डिजिटल क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। पहले चरण में 17,046 स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और चयन प्रक्रिया जिला और राज्य स्तर पर की गई थी, जिसके बाद अंतिम चयन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच एक महत्वपूर्ण कनेक्शन बनने जा रहा है। यह कनेक्शन छपरा मानसी दरौली गुठनी स्टेट हाईवे की है, जिसकी लंबाई 72.183 किलोमीटर है। इसकी निर्माण लागत 70,125.89 लाख रुपए है और यह सड़क छपरा को उत्तर प्रदेश के मऊ, देवरिया और गोरखपुर जैसे जिलों से जोड़ेगी। इसका निर्माण जनवरी 2025 से शुरू होने की संभावना और 2026 तक पूरा होने की योजना है। यह मार्ग व्यापार, यातायात और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। सड़क से शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं तक पहुँच आसान होगी, जिससे स्थानीय लोगों की जीवन शैली में सुधार होगा। यह योजना बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। रोहतास के राजपुर प्रखंड में दशहरा उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस वर्ष मंगराव नवयुवक दुर्गा पूजा समिति की अध्यक्षता मोहम्मद इरशाद शाह एक मुस्लिम सदस्य कर रहे हैं। यह उदाहरण समुदायों के बीच भाईचारे को प्रदर्शित करता है। पूजा में विभिन्न समुदायों के सदस्य जैसे शशिकांत, बनारसी, राजभर और अन्य भाग ले रहे हैं और वैदिक मंत्रों के साथ हवन पूजा किया जा रहा है। विशेष रूप से पूजा पंडाल के निकट ही इमामबाड़ा है, जहाँ दोनों समुदाय मिलकर पर्व मनाते हैं। थाना अध्यक्ष संतोष कुमार के नेतृत्व में थाना परिसर में भी पूजा अर्चना हो रही है, जो सामूहिक भाईचारे का संदेश देता है। IIM बोधगया ने बिहार के योजना एवं विकास विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत अधिकारियों के लिए प्रबंधन, नेतृत्व और कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक बैच के अधिकारियों को 6 दिवसीय आवासीय सत्र में भाग लेने का अवसर मिलेगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सेंथिल कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों के कौशल में वृद्धि करना और कार्य संस्कृति में सुधार लाना है। IIM बोधगया के निदेशक डॉ. विनीता सहाय ने कहा कि यह कार्यक्रम अधिकारियों को उनके कर्तव्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करेगा। यह सहयोग राज्य सेवाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 11 अक्टूबर यानी आज नवमी से 12 अक्टूबर यानी विजयादशमी तक बिहार में बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। बता दें कि इन दोनों दिन के लिए मौसम विभाग द्वारा जो पूर्वानुमान जारी किया गया है, उसके अनुसार राज्य के सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री रहने की संभावना है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना है। मंत्री अशोक चौधरी ने पटना में संवाददाता सम्मेलन में दलित महाकुंभ कार्यक्रम की घोषणा की, जो 14 अप्रैल 2025 को आयोजित होगा। यह कार्यक्रम गांधी मैदान या वेटनरी मैदान में होगा, जिसमें दलितों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों को उजागर किया जाएगा। चौधरी ने बताया कि पिछले वर्ष संविधान दिवस पर भीम संसद का आयोजन किया गया था, जिसे धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने दलितों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए नीतीश कुमार की योजनाओं की प्रशंसा की और कहा कि रतन टाटा के निधन पर पूरे देश में शोक है। संवाददाता सम्मेलन में कई अन्य नेता भी शामिल रहे। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जहां से उनकी अंतिम यात्रा वर्ली श्मशान घाट पहुंची और अंतिम संस्कार किया गया। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, मुकेश अंबानी और कई अन्य हस्तियों ने अपने शोक व्यक्त किए। पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक दूरदर्शी लीडर बताया, जबकि राहुल गांधी ने उनकी दूरदृष्टि की सराहना की। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाते हुए भारत के कॉर्पोरेट जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका निधन भारत के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है।
दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राजधानी पटना प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। पुलिस कर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि शहर के विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर मेडिकल कॉलेजों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। डेंगू और मलेरिया संक्रमण की संभावना को देखते हुए एम्बुलेंस की तैनाती प्रमुख पूजा पंडालों के पास की जाएगी। महाअष्टमी से विजयादशमी तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। सिविल सर्जन डॉक्टर मिथिलेश्वर कुमार ने आवश्यक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने का निर्देश दिया है। साथ ही श्रद्धालुओं से साफ सफाई और शारीरिक दूरी का ध्यान रखने की अपील भी की है। स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विभिन्न अस्पतालों के संपर्क नंबर भी जारी किए गए हैं, जैसे PMCH कंट्रोल रूम अधीक्षक और प्रिंसिपल का संपर्क नंबर क्रमशः 0612230804700359 9470003552 है। वहीं IGIEMS पटना के संपर्क नंबर 9473191807 0612229 और 0612229761 और वहीं एम्स अस्पताल के लिए संपर्क नंबर 9470702184 और 0612251070 दो दिनों तक उपलब्ध रहेगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बिहारियों के पलायन के मुद्दे को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर साझा किए गए आंकड़ों में दावा किया कि हर साल लगभग 5 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में बिहार से पलायन करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि केंद्र सरकार के अनुसार प्रति वर्ष 3 करोड़ लोग श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि 20 वर्षों में उद्योग लगाने में कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया गया। तेजस्वी ने यह भी बताया कि उनके 17 महीने के कार्यकाल में 50,000 करोड़ के निवेश के MOU साइन हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार में उद्योगों की स्थापना करेंगे, जिससे श्रमवीरों को उनके गृह राज्य में रोजगार मिलेगा। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, खासकर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने अपने अपने दलों के चुनाव लड़ने के दावे किए हैं। मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा झारखंड की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अगर NDA से सीट नहीं मिली तो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। रतन टाटा के निधन पर मांझी ने शोक व्यक्त करते हुए उनके योगदान की सराहना की। वहीं तेजस्वी यादव के इस बयान पर कि CM नीतीश कुमार मानसिक रूप से अब स्वस्थ नहीं है वाले बयान पर मांझी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव खुद अस्वस्थ लग रहे हैं। PM मोदी के बयान का समर्थन करते हुए मांझी ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने इतिहास रच दिया है। जो रूट और हैरी ब्रुक ने बल्ले से ऐसा धमाल मचाया है कि हर कोई हैरान रह गया। हैरी ब्रुक ने 13 शतक जड़ते हुए 317 रन बनाए। वहीं जो रूट ने भी 262 रन की शानदार पारी खेली। इन दोनों ने मिलकर 454 रनों की साझेदारी कर टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। याद दिला दें कि इस रिकॉर्ड को तोड़ने से पहले 67 साल पुराना कीर्तिमान कॉलिन काउड्रे और पीटर मे के नाम था, जिन्होंने 1957 में 411 रन की साझेदारी की थी। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 556 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 823 पर 7 विकेट की पारी घोषित की। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन सन 1737 में कोलकाता में सबसे खतरनाक चक्रवात तूफान आया था। आज ही के दिन सन 2002 में नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने लोकेंद्र बहादुर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। आज ही के दिन 2005 में तीसरे अंतरिक्ष पर्यटक ग्रेगोरी ओल्सन पृथ्वी पर लौटे थे। आज ही के दिन 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 9 गाँव स्टेशन से हरी झंडी दिखा कर कश्मीर की घाटी में चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना किया था। आज ही के दिन 1942 में भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1902 में जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 2004 में हिंदी फिल्म निर्माता और वितरक गुलशन राय का निधन हुआ था।
अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति में पिछले 5 वर्षों में 865% का उछाल आया है, जो 8.7 बिलियन डॉलर से बढ़कर 84 बिलियन डॉलर हो गई है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर्स रैंकिंग के अनुसार मुकेश अंबानी 116 बिलियन डॉलर के साथ भारत के सबसे अमीर उद्योगपति हैं, जिनकी संपत्ति में 132% का उछाल देखने को मिला है। शिव नाडर 36.8 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि उनकी संपत्ति में 152% का उछाल आया है। दिलीप सांघवी और साइरस पूनावाला क्रमशः चौथे और पाँचवें स्थान पर हैं। इन आंकड़ों से भारतीय उद्योगपतियों की संपत्ति में तेजी से बढ़ोतरी का संकेत मिलता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे ज़रूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हमारा पहला सवाल है, दक्षिण लोनक झील किस राज्य में स्थित एक हिम नदी झील है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी असम। इसका सही उत्तर है ए सिक्किम। दूसरा सवाल है, इस साल केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया है? ऑप्शन ए पॉल डिरेक, ऑप्शन बी कैरोल ग्रिफिन, ऑप्शन सी डेविड बेकर, ऑप्शन डी हेलवेट पेकेर्ड। इसका सही उत्तर है सी डेविड बेकर। हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए है कलश मिशन, ऑप्शन बी क्रूज भारत मिशन, ऑप्शन सी समुद्रया मिशन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी क्रूज भारत मिशन। चौथा सवाल है, गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? ऑप्शन ए है 120 किलोमीटर, ऑप्शन बी 180 किलोमीटर, ऑप्शन सी 150 किलोमीटर, ऑप्शन डी 130 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 120 किलोमीटर। पांचवा सवाल है, बिहार उद्यमी पार्क के अंतर्गत राज्य का पहला पार्क कहाँ खुला? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्णिया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अश्व नारायण सिंह, रंजीत मिश्रा, रानी कुमारी, अजय यादव, मोतीलाल कुमार, बिरजू कुमार, कुश कुमार यादव, नुनू गोलू कुमार, नंद कुमार सिंह, राजकुमार, कौशलेंद्र कुमार मिश्रा, संजीव कुमार, गणेश सिंह, सूरज कुमार, अनवर करीम खान, छोटू राजा, विनय कुमार, संतोष कुमार सुमन, सपना कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि अपने क्षेत्र में आपको कहाँ की देवी की मूर्ति सबसे अच्छी लगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।